साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण शुरू, जयपुर और कुरुक्षेत्र में दिखा अनोखा नजारा। दोपहर 3:04 पर खत्म होगा सूर्य ग्रहण, शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे सभी मंदिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित, कहा योग साधक संकट में कभी धैर्य नहीं खोता, अपना काम ठीक से करना भी है योग। देश भर में अब तक 4,10,461 कोरोना के मामले आए सामने, दिल्ली में बढ़ते आंकड़ों के बीच राहत की खबर, 24 घंटे में ठीक हुए रिकॉर्ड 7,700 मरीज। राजधानी दिल्ली में सियासत जारी, बीजेपी ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा दिल्ली में काम मोदी सरकार ने किया, झूठा श्रेय ले रहे हैं केजरीवाल। चीन के साथ विवाद को लेकर बीजेपी नेता ने ही उठाई अपनी सरकार के खिलाफ आवाज, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा सोर्सेज बता रहे हैं चीन सेना ढोकलाम में फिर घुस आई है, विदेश मंत्रालय स्थिति साफ करे। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने किया खुलासा, कहा भारत ने भी बंदी बनाए थे चीन के सैनिक, हम चीन के सामने कमजोर नहीं। देश में कठिन दौर के बावजूद बीजेपी का प्रचार पर फोकस, आज मेरठ में आयोजित होगी बीजेपी की वर्चुअल रैली, रैली को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। भारत में आज हो सकता है साइबर अटैक, नॉर्थ कोरिया के हैकर्स कोविड-19 थीम को हथियार बनाकर कर सकते हैं फिशिंग कैंपेन, निशाने पर हो सकते हैं 50 लाख से ज्यादा लोग और कंपनियां, एक रिपोर्ट के जरिए हुआ खुलासा। श्रीनगर के जदीबाल में दहशतगर्दों की तलाशी के लिए अभियान शुरू, कई आतंकियों के छिपे होने की सूचना, श्रीनगर में इंटरनेट सेवा बंद। देश के कई राज्यों में बदला मौसम का मिजाज, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी समेत यूपी के अलग अलग हिस्सों में आंधी के साथ बारिश के आसार। भारत और चीन के बीच विवाद जारी, सोशल मीडिया साइट वेइबो और वीचैट ने हटाए पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय ने दिया लद्दाख पर बयान। चीन की भारत से तकरार पर अफगानिस्तान ने जताई चिंता, ऐसी घटना क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के हक में नहीं, सरकार ने घटना को बताया आर्थिक नुकसान। यूरोपीय थिंक टैंक ने खोली पोल, कहा गलवान घाटी में हमला चीन की सोची समझी साजिश, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दुनिया भर में फैली गंभीर बीमारी के चलते ब्रिटेन में 3 महीने से जहाजों पर फंसे 1500 भारतीय घर वापस लाने की कर रहे हैं अपील, जांच के बाद ही मिल सकेगी अनुमति। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कमबैक रैली में हजारों सीटें रहीं खाली, स्टाफ के 6 सदस्य वायरस की चपेट में आए। लगातार 15वें दिन महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, दिल्ली में आज पेट्रोल 35 पैसे और महंगा हो गया, डीजल की कीमत में भी 60 पैसे की बढ़ोतरी। सुमित बाली ने त्यागा IIFL फाइनेंस का CEO पद, कहा बेहतर अफसर के लिए छोड़ा पद, अब CEO की जिम्मेदारी संभालेंगे कार्यकारी चेयरमैन निर्मल जैन। हवाई यात्रा करने वाले लोगों को मिलेगा लाभ, उड़ियन मंत्री ने कहा जल्द ही ज्यादा घरेलू उड़ानों का संचालन होगा शुरू, केंद्र सरकार आने वाले हफ्ते में और ज्यादा गंतव्यों के लिए उड़ानों की देगी अनुमति। भारत की मोबाइल कंपनियां चीन को टक्कर देने के लिए कर सकती हैं वापसी, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स और लावा नए प्रोडक्ट के साथ बाजार में आने को तैयार। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल हुए मुकेश अंबानी, रिलायंस देश की पहली 11 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी का शेयर है 42%।